नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। ठियोग में धसा नेशनल हाईवे 5 ऊपरी शिमला का संपर्क कटा। जे उपमंडल ठियोग के विद्युत बोर्ड कार्यालय के समीप क्षतिग्रस्त नेशनल हाईवे 5 रविवार दोपहर धस गया। इस वजह से ऊपरी शिमला का संपर्क राजधानी शिमला से कट गया है। वहीं एनएच बंद होने से हजारों लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ा। वहीं एनएच का करीब 12 मीटर हिस्सा धस गया है। इसके निर्माण को लेकर अभी कई दिन लग सकते हैं, जिस वजह से लोगों को कई दिनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहले 1,12,00,000 रुपए की लगी बोली, अब 29,98,000 में बिका एचपी 9999 नंबर। जे वाहनों के लिए भी आईपी नंबरों की बोली में संशोधन करने के बाद एक बार फिर से कोटखाई में वाहनों का पंजीकरण शुरू हो गया है। वही बता दें कि सुर्खियों में रहे भी आईपी नंबर एचपी 9999 के लिए इस बार 29,98,500 रुपए की अधिकतम बोली कोटखाई के इंद्र काल्टा ने अपनी कार के लिए लगाई है। वह जबकि दूसरी बोली 50,000 रुपए की दयाल स्वीट्स ऊना के मालिक ने लगाई है। अब सीएससी में टीबी सिविल अस्पताल में होगा कैंसर का उपचार। जे अब स्वास्थ्य उपकेंद्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भी क्षय रोग का उपचार कर सकेंगे। इससे मरीजों को बड़े अस्पतालों की राह नहीं देखनी पड़ेगी। वही क्षय रोग के उपचार से लेकर दवाई भी सीएचओ के जरिए मरीजों को मिल जाएगी। वही बता दें कि जिला स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दे दिया है। वह प्रशिक्षण के बाद इन्हें क्षय रोगी को उपचार देने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं, वह ताकि मरीज को उपकेंद्र में तत्काल इलाज की सुविधा मिल सके। वह इससे पहले स्वास्थ्य अधिकारी और विशेषज्ञ ही क्षय रोगियों का इलाज कर रहे थे। वह अब प्रशिक्षण के बाद CHO को क्षय रोग संबंधित पूरी जानकारी दे दी गई है। वह संदिग्ध क्षय रोगियों को भी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर बलगम के सैंपल भी दे सकते हैं। यहां से आशा वर्कर की मदद से सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला लाई जाएंगी। यहां पर प्रशिक्षण के बाद संबंधित व्यक्ति को क्षय रोग की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। चंबा मनोहर हत्याकांड मुख्य आरोपी का 16 बीघा और जमीन पर मिला कब्जा, कच्चे मकान की होगी जांच। जे मनोहर हत्याकांड के मुख्य आरोपी का 16 बीघा और वन भूमि पर कब्जा मिला है। इसमें उसकी घासनियां बनाई थी, इसे प्रशासन ने छुड़ा लिया है। इसके अलावा मुख्य आरोपी के अधवारी पर स्थित कच्चा मकान की भी जाँच होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। हमीरपुर में अब प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों का होगा रजिस्ट्रेशन, प्रशासन ने जारी किया निर्देश। जहां हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रहने वाले प्रवासी श्रमिकों, फेरी वालों और अन्य बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। वही जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। शिमला में अफीम की खेती का भंडाफोड़, 3720 पौधों को पुलिस ने किया नष्ट, दो गिरफ्तार। जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, उन्होंने अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। वह शिमला के साथ लगते पर्यटन स्थल कुफरी में एक व्यक्ति सारे आम अफीम की खेती कर रहा था। वह पुलिस को सूत्रों से इसकी सूचना मिली। वह सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और अफीम के 3720 पौधों को नष्ट किया। यही नहीं, आरोपित के घर से पुलिस को 539 ग्राम भूकी भी बरामद हुई। हिमाचल सहित उत्तर भारत में भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बार भी भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर ही रहा है, लेकिन यह झटके 5 दिन पहले आए भूकंप से कम थे। वह रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। वह प्रभावित इलाकों में झटकों के बाद एक बार फिर लोगों में अफरा तफरी मची और लोग अपने घरों से बाहर आ गए। इस बार इन झटकों का केंद्र माँ वैष्णो देवी मंदिर के पास कड़का में रहा। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी इंडिया के अनुसार यह भूकंप रविवार तड़के 3:50 पर आया। पौंग झील में दर्दनाक हादसा, नहाते समय बाथू की लड़ी में डूब गए दो दोस्त, सर्च अभियान जारी। जब पुलिस थाना जवाली के अधीन पौंग झील के बीच स्थित बाथू दी लड़ी में दो युवकों की डूबने से मौत हो गई है। वह मृतकों की पहचान रजत पुत्र अशोक कुमार और अमित कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी दौलतपुर के रूप में हुई है। वह रजत लोक निर्माण विभाग में कार्यरत था तथा अमित कुमार आर्मी में था। वह दोनों ही युवक अपने अन्य दोस्तों के साथ पांडवों द्वारा निर्मित बाथू दी लड़ी को देखने के लिए बाइक पर आए थे। मन की बात में पीएम मोदी ने किया बिपरजॉय का जिक्र, कहा 2025 तक टीवी मुक्त होगा भारत। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों से संवाद दिया, यह मन की बात कार्यक्रम का यह 102वां प्रसारण था। हालांकि हर बार प्रधानमंत्री महीने के आखिरी रविवार को देश को संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार महीने का आखिरी रविवार 25 जून को पड़ा है। वह इस दौरान प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर होंगे। इसी के चलते पीएम मोदी ने एक सप्ताह पहले ही देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात में आए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का भी जिक्र किया। वह पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब भारत के सामान्य मानवीय के प्रयास, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति को देखता हूं तो खुद अपने आप अभिभूत हो जाता हूं।
पांच जिलों में बारिश। मैकलोडगंज के भास्कुनाग नाले में फंसे 14 लोग किए रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मौसम के खराब रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले रविवार को जिला कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर के इलाके में बारिश हुई। इसके शिमला के ग्रामीण क्षेत्र ऊना और सिरमौर के हरिपुर धार में भी बारिश हुई है। वही उधर मैकलोडगंज के भास्कुनाग नाले और गुना माता मंदिर के पास नाले में जल स्तर बढ़ने से 14 सैलानी फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस जवानों और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। जेई सिविल भर्ती परीक्षा का पेपर भी हुआ था लीक, 4 पर केस दर्ज। जो भंग होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 11 पदों के लिए हुई पोस्ट कोड 970 जेई सिविल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। इससे संबंध विजिलेंस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वह 24 मई 2022 को इसके लिए निकाले गए विज्ञापन में 8016 ने आवेदन किया था। वह बता दें कि 5524 उम्मीदवारों ने पर्चा दी थी और 36 पास हुए थे। वह करीब 3 माह की लंबी जांच के बाद इस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की पुष्टि एसआईटी ने कर दी है। वह शनिवार को एसआईटी ने विजिलेंस थाना हमीरपुर में अभ्यर्थी मुकेश कुमार, दलाल रंजीत सिंह, दलाल ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार और आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रोहतांग दर्रा में बर्फ के बीच 13,050 फीट की ऊंचाई पर होगा योग। जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा में योग करवाया जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को योग से निरोग रहने का संदेश दिया जाएगा। जिले कुल्लू में आयुष विभाग 21 जून को 11 जगहों पर योगाभ्यास करवाएगा। इनमें पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा और अटल टनल रोहतांग भी शामिल है। वही बता दें कि आयुष विभाग योग दिवस के तीन हर आंगन योग कार्यक्रम के तहत लोगों को योग क्रियाएं सिखाएगा तथा योग के लाभों से भी अवगत करवाएगा। नशे के खिलाफ पुलिस की मैराथन 25 को 235 प्रतिभागियों ने करवाया पंजीकरण। जब पुलिस विभाग द्वारा नशे के खिलाफ 25 जून को शिमला में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। वहीं पुलिस विभाग द्वारा नशे के खिलाफ करवाई जा रही मैराथन को नशा छुड़वाओ, पर्यावरण बचाओ, देवभूमि सुरक्षित बनाओ की थीम पर आधारित है। वहीं नशे के खिलाफ पुलिस की इस मैराथन में ऊना जिला के 75 वर्षीय दिलबाग रॉय भी शामिल होंगे। वह रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त ऊना निवासी 75 वर्षीय दिलबाग राय ने इससे पहले अनु कॉलेज हमीरपुर में 8 जनवरी को 43वीं हिमाचल प्रदेश स्टेट मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। चलिए वो चलते हैं आज का आखिरी खबर। आईटी विभाग हुआ पेपरलेस, बाकी भी होंगे। मुख्यमंत्री ने आईटी विभाग की पहली ई फाइल को दी स्वीकृति। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहली ई फाइल को स्वीकृति प्रदान की है। यह ई ऑफिस एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। इसके साथ ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी आईटी विभाग पेपरलेस बन गया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों को ई ऑफिस प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में हिमाचल प्रदेश सचिवालय, सभी निदेशालय तथा फील्ड कार्यालय में 1 जुलाई 2023 तक ई ऑफिस एप्लीकेशन आरंभ करने का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा इसे प्रभावशाली बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।